हेलो एवरीवन, मेरा नाम सम्यक रहाटे है। इस साल नीट 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में, और मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो IIT मेडिकल वर्ल्ड भिलाई से करी है। तो यार, जो नीट का जो जर्नी है बहुत लंबी जर्नी होती है, तो इस पूरी जर्नी में मेरे को मेरे टीचर्स लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और थ्रू आउट द जर्नी जितनी भी मेरी डिफिकल्टीज थी या प्रॉब्लम थी वो सारी सर लोगों ने मेरे उसको सॉर्ट आउट करने में मेरी हेल्प करी है। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया था IIT वर्ल्ड में, तो उस टाइम मैं एक एवरेज नीट एस्पिरेंट था, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी 11th 12th में कोटा प्रिपरेशन कर चुका था। तो बाकी सारे सब्जेक्ट में मैं एवरेज था, बट बहुत कुछ खास स्कोर नहीं करता था मैं, और केमिस्ट्री का मेरा स्पेशली थोड़ा ज़्यादा वीक था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को अपने सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिखा। फिजिक्स में मैं एवरेज हुआ करता था, तो मेरा फिजिक्स एकदम टॉप नॉच पहुँचाने में मेरे को सर लोगों ने बहुत हेल्प करी है, और केमिस्ट्री में मैं बहुत ज़्यादा वीक था, तो केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं सर लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर करवाए। जी कोचिंग पढ़ते थे आप कोटा? सर, इससे पहले मैं LN कोटा में पढ़ता था, तो वहाँ पे कई बार मेरे कॉन्सेप्ट रह जाते थे, तो यहाँ पे सर लोगों से इंडिविजुअली मैं मिलके अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करता था। तो इस साल मेरे को अपने मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने में हेल्प हुआ है। और जो संडे टेस्ट होते हैं उससे क्या बेनिफिट मिलता है? सर, जो संडे वीकली टेस्ट होते थे उससे मेरे को अपने पूरे वीक का जितना भी मैंने वर्क किया उसमें प्रोग्रेस कितनी हुई है ये देखने मेरे को हेल्प हो जाती थी, और उसके अलावा मेरा कॉन्फिडेंस भी, आखिरी नीट एग्ज़ाम आते तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और कई सारे क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में आया करते थे वो डायरेक्ट नीट में पूछ लिए गए थे, तो कई सारे क्वेश्चन मेरे को एग्ज़ाम में सॉल्व भी नहीं करने पड़े, मेरे को डायरेक्ट उसको आंसर करने में बहुत हेल्प हो गई। जैसे सब लोग कहते हैं कि कोटा का ही सिलेक्शन होता है, तो क्या भिलाई से भी होते हैं सिलेक्शन? सर, ऐसा नहीं है कि कोटा जाके ही सिलेक्शन होगा। एक्चुअली कोटा में भी एक अलग टाइप का माहौल है पढ़ाई का, बट मेरा पर्सनली जो व्यू था, जो मेरे को माहौल यहाँ IIT वर्ल्ड में मिला है वो एक अलग टाइप का माहौल था, जो मेरे लिए बहुत फेवरेबल था, तो इसलिए मैं अपनी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ा पाया। और नॉलेज बेस्ड जैसे वहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ाए या यहाँ आपको टीचर पढ़ाए, तो क्या नॉलेज कुछ कम है या बराबर है? नहीं सर, नॉलेज में तो मेरे को बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हुई। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कोचिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स मैं देख चुका था, मेरे आंखों के सामने से गए हुए थे, तो क्लास में जो मैं नोट्स पढ़ता था, जो सर लोग नोट्स देते थे, वो एक्चुअली इनफैक्ट कई सारे कोचिंग के मॉड्यूल से बेटर होते थे, कंप्लीट होते थे एकदम, और नोट्स के बाहर तो एक भी सवाल नीट में नहीं आया है। मतलब भिलाई आके भी बच्चे की सिलेक्शन आ रहा है? सर, भिलाई आके बहुत आसानी से। और वहाँ जैसे आप केमिस्ट्री अटेंड करते थे LN कोटा में, और यहाँ आपने केमिस्ट्री क्लास करी, क्या डिफरेंस क्या महसूस होता है आपको? एक्चुअली कोटा में जो है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई होती थी, तो हम लोग जो भी नीट में आने वाला होता था केवल वही पढ़ाते थे, और कॉन्सेप्ट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था अगर वो नीट से ओरिएंटेड नहीं है तो। बट यहाँ पे आके हम लोग को कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, और इनफैक्ट कई सारे कॉन्सेप्ट जो बाहर के होते थे बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्टूडेंट पूछना चाहता है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैं सर लोगों से सीख पाया। मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप से बच्चे का फ्यूचर, मतलब बच्चे का सब्जेक्ट अच्छा होता है उससे उसको सिलेक्शन में बेनिफिट मिलता है, कि बस हाँ पॉइंट टू पॉइंट वही पढ़ा देना चाहिए, किससे ज़्यादा बच्चे को बेनिफिट मिलता है? सर, एक्चुअली नीट में मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कुछ मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, और इनफैक्ट क्वेश्चन भी अच्छे से आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन भी एकदम अच्छे क्वालिटी के हम लोग को टेस्ट सीरीज में भी मिल जाते थे, क्लास नोट्स में भी मिल जाते थे, तो कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। जैसे हम जब आप आए थे तो पेरेंट्स की भी ये थी कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही थी लड़के को, तो किस तरीके की वहाँ दिक्कत फेस होती थी आपको? एक्चुअली केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट थे, स्पेशली जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो उसको ज़्यादातर जगह पे ऐसा बोल दिया जाता है कि इसको याद कर लीजिए और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट वो जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं रहेगा तब तक आप ज़्यादा दिनों तक मेमोरी में रिटेन भी नहीं कर पाओगे चीज़ों को, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत बर्डन आने वाला आपके ऊपर? हाँ सर, बर्डन बिल्कुल नहीं लगा मेरे को, और इनफैक्ट पूरी जर्नी में मेरे को जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत आई कभी सर लोग भी साल भर हम लोग को मोटिवेटेड रखते थे। मतलब आप जब जैसे यहाँ पढ़े तो क्या लगता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कैसा सब्जेक्ट है? मतलब सर, एक्चुअली मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एकदम प्यार सा हो गया है। मतलब लगता है कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए? यस सर, एक्चुअली उसको
कितनी अब कितनी भी बुक से पढ़ लो एकदम उसमें इंटरेस्ट जाके यूनिवर्सिटी हो गई है।